राज्यसभा में वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग उठी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद हरनाज सिंह ने यह मुद्दा उठाया है, पूजा स्थल एक्ट खत्म करने की यहां पर मांग उठी है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की यहां पर मांग राज्यसभा में उठी है। भारत सरकार के उपासना स्थल कानून 1991 के मनमाने और असंवैधानिक प्राविधानों की ओर आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 की थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। मान्यवर, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। महोदय, इस कानून में प्राविधान है कि श्री राम जन्म मुकदमे के अतिरिक्त अदालतों में लंबित ऐसे सभी मुकदमे समाप्त माने जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। मानवर, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजा स्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके, और उन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदगी होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता। महोदय, इस कानून का स्पष्ट अर्थ यह है कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार की नोक पर ज्ञानवापी और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि सहित अन्य पूजा स्थलों पर जो बलात् कब्जा किया गया, उसे विगत सरकार द्वारा कानून रूप से सही ठहरा दिया गया है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये मांग उठी हो, इसके पहले भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन एक बार फिर राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हरनाज सिंह ने यह मुद्दा उठाया है और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल, जब से अयोध्या मामले के बाद से ज्ञानवापी मामले को यहाँ पर लगातार उठाया जा रहा है, उसके बाद से ही कई बार अलग अलग सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया है कि पूजा स्थल विधेयक 1991 को खत्म किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि 1991 का जो पूजा स्थल विधेयक है वो साफ तौर से यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो धार्मिक स्वरूप रहा है वो रहना चाहिए। इसमें अयोध्या मामले को एक अपवाद माना गया था, लेकिन किसी भी अन्य जगह पर उसके धार्मिक स्वरूप को ना बदला जाए, यह इस कानून में प्रावधान किया गया है। और इसी को लेकर यहां पर बीजेपी सांसद हरनाज सिंह यादव ने राज्यसभा में आज ये मांग की है कि इस कानून को खत्म किया जाए, लेकिन क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, इस मामले पर आगे सुनवाई भी होनी है, तो फिलहाल देखना यही होगा कि ज्ञानवापी का जो पूरा मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, उससे पहले वर्शिप एक्ट को लेकर जिस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है, उस पर क्या कुछ इसका आउटकम आने वाले समय में आता है। ठीक विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हरनाज यादव ने और क्या कुछ कहा है जब वो संबोधित कर रहे थे राज्यसभा में, आपको ये भी सुनवाते हैं। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। महोदय, यह स्थापित तथ्य है कि समान कृत्यों और समान परिस्थितियों के लिए दो कानून नहीं हो सकते। दूसरे कोई सरकार किसी भी नागरिक के लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं बंद कर सकती। महोदय, यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों को संविधान में प्राप्त धार्मिक अधिकारों का हनन करता है, जो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ रहा है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विशाल, बेहद गंभीर और इसको हम संवेदनशील मुद्दा कहेंगे, वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमेशा ही इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी राय अलग रही है। अगर हम AIMIM की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बनाए रखने के लिए लगातार ये पार्टियां कहती रही है, तो अब इसके बाद भी स्वाभाविक है कि प्रतिक्रियाएं आएंगी।
देखिए जिया बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे दल लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है यानी पूजा स्थल विधेयक वो बना रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और काशी मथुरा के मामले को लेकर जो अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई उस दौरान भी जो मुस्लिम पक्ष है उसने इस बात को लेकर विरोध किया कि 1991 के पूजा स्थल विधेयक का यह उल्लंघन है अगर इस मामले की सुनवाई की जाती है, क्योंकि 1991 के कानून के मुताबिक अयोध्या को छोड़कर किसी और मामले के धार्मिक स्थल को लेकर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। हालांकि जब यह मामला ऊपरी अदालत तक पहुंचा तो उसमें इस बात को लेकर भी उस सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी आई थी कि धार्मिक स्वरूप तय करने से यह कानून कहीं भी नहीं रोकता है, और उसी टिप्पणी के बाद से वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद धार्मिक स्वरूप को लेकर